सचिंदर खुद कह रहे हैं और भी टीचर्स कह रहे हैं, भाई जब तक थॉट प्रोसेस नहीं आए, आपने प्रैक्टिस नहीं करी, तो हिलाने में, उन क्वेश्चंस को हिलाने में दिक्कत होगी, लेकिन वो सभी के साथ होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही को मैथ्स टफ लग रही हो। भाई साहब मेरे फिजिक्स में बल्कि कम थे, केमिस्ट्री में कम थे, मैथ्स में हाईएस्ट थे अंग्रेजी से भी हाईएस्ट, जो मैंने पूरे साल नहीं पढ़ी थी। एक वो खतरनाक एमएल खन्ना बुक आती थी हमारे टाइम पे, पता नहीं आपके टाइम पर आती है या नहीं आती है, एमएल खन्ना, इतनी मोटी किताब थी भाई, इतनी मोटी, फिजिक्स केमिस्ट्री सब जोड़ लो ना तब ना बनती। ओ भाई साहब उसके एक एक क्वेश्चन करने में जो मौत आती थी ना, एक क्वेश्चन कर लेते तो ऐसा लगता था भाई तुम्हारा भाई अभी आईटी की डिग्री लेके बैठा है। मेरे से मुश्किल से 4-5 क्वेश्चन हुए होंगे उस किताब के, इतनी मोटी किताब, और हमारी क्लास में बच्चे करके भी आ रहे होते थे पूल में। भाई साहब उस किताब की वजह से मेरा कहीं ना कहीं मैथ्स में इंटरेस्ट खत्म हो गया, एक एक क्वेश्चन में एक एक घंटा लग रहा है। लेकिन तुम्हारा भाई भी ऐसा था ना, मैं पेशेंस वाला बंदा हूँ बहुत ज्यादा, है ना, मैं लगा पड़ा हूँ एक एक घंटे में एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन करा पूरे 4-5 घंटे हो गए, एक ही क्वेश्चन सॉल्व हुआ, बाकी हुए नहीं, ट्राई कर रहा। लेकिन मैं कभी दुख नहीं मनाया, कभी मेरे को ये बात का दुख नहीं हुआ कि भाई मैथ्स बिगड़ रही है, पेशेंस के साथ पढ़े हैं, पेशेंस के साथ। दुख तब होना स्टार्ट हुआ जब हमारे बोर्ड्स आ गए, और तब तो मैंने मैथ्स पढ़ी नहीं थी, मैं एमएल खन्ना सॉल्व कर रहा था, एनसीईआरटी हो नहीं रही है। फिर मेरे को एक टीचर ने बोला, भाई जिस हालत में तुम चल रहे हो ना, तो इतना पेशेंस के साथ तुम बैठे ही रह जाओगे अपने घर पे, एनसीईआरटी लगा ले। तो एनसीईआरटी के हम किताब उठाए, एक एक क्वेश्चन दोस्त को बैठाया, सीखा, रटा, और भाई साहब जाके एग्जाम में भाई साहब रायता फैलाया है और पास हो गए। यार देखो सच बताऊं, टू बी वेरी ट्रू, आप बुक से सीखते हैं, लेकिन कुछ बुक्स आपके लिए नहीं बनी होती। मेरे लिए एज अ स्टूडेंट, मेरे लिए एमएल खन्ना नहीं बनी थी, एच सी वर्मा हो रही थी, अच्छे से कर रहा था। केमिस्ट्री के लिए मैंने कोई बुक नहीं उठाई थी, सीरियसली बता रहा हूँ। टीचर के नोट्स पढ़ता था, क्वेश्चन लगाता था, जो हमें मतलब उस समय शीट के फॉर्म में मिलते थे, डीपीपी या कह लो, आप जो भी कह लो, उस समय जो भी मिलते थे बस उनको कर लिया, हो जाता था काम, सबका अलग अलग होता है। अभी क्या है ना कि इनकी भी मूछे आ गई हैं, तो इसी चक्कर में एक डायलॉग इनके लिए भी, तो जिस महफिल में रहते हैं वहां पर खौफ रखते हैं हम, हसीनाओं का नहीं, मूछों का शौक रखते हैं। और